स्थानीय लोगों द्वारा जल की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई है। टिहरी बांध के अधिकर्ताओं द्वारा जुलाई 2007 में कराए परीक्षण के अनुसार जल ऑक्सीजन से परिपूर्ण बताया गया। लगता है कि एक मुख्य बात चूक रही है कि एक व्यक्ति जो झील में मृत पशु, मृत मानव शरीर, मलमूत्र के निस्तारण को अपनी आंखों से झील में एकत्रित होते देख रहा है, उसे बताया जाए कि यह जल पूजा के लिए उपयुक्त है, यह स्नान करने योग्य है क्योंकि यह जल ऑक्सीजन संपन्न है, तो यह सामान्य विवेक, अनुभव एवं प्रायोगिकता की कीमत पर यांत्रिक बारीकी को ही पुष्ट करना मात्र है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर यू के चौधरी, जो कि गंगा अनुसंधान केंद्र के स्थापनकर्ता भी हैं, उनके द्वारा टिहरी में जल की गुणवत्ता पर एक लेख में इस प्रकार से बताया है। झील के निचले हिस्से का जल जो कि हटाया नहीं जा सकता और मृत संग्रह जाना जाता है, वह भविष्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का गोदाम बन जाएगा। इस प्रकार गंगा जल के मूल्य पर बांध कार्य करेगा। गंगा जल की स्वतः शुद्धता की क्षमता निश्चित ही लगातार घटती जाएगी। आज झील के चारों ओर की पहाड़ियों पर होते भूस्खलन रूपी अनेक समस्याएं उन नए गांवों को भयभीत करती हैं जो कि पूर्वानुमान में सम्मिलित नहीं थे। डॉक्टर नैथानी, एक ग्लेशियर विज्ञानी जिन्होंने कई वर्ष गंगोत्री ग्लेशियर के अध्ययन में व्यतीत किए, उनसे पीछे सरकते गंगोत्री ग्लेशियर